नौ दिन सिर्फ आधा चम्मच दूध में मिलाकर पी लो, पूरी जिंदगी शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, अनिद्रा, गठिया और जोड़ों का दर्द और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताएंगे, उसके सिर्फ आपने आधे चम्मच को दूध में मिलाकर सेवन करना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको अपने शरीर में चमत्कारिक बदलाव महसूस होगा। दोस्तों, यदि आप ऐसा लगातार सिर्फ 9 दिन कर लेते हैं तो 9 दिन करने से ही आपके शरीर में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपका पूरा शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक निरोगी बनना शुरू हो जाएगा। यदि दोस्तों आपने इसका सेवन लगातार 21 दिन तक कर लिया, तब आपको जीवन में कभी भी कोई भी पेट का रोग नहीं होगा, पेट से जुड़ी हर बीमारी सही हो जाएगी, ब्लड से जुड़ी हर तरह की बीमारी सही हो जाएगी। दोस्तों, आपको दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी दर्द से जुड़ी समस्याएं भी सही हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो चमत्कारी चीज है क्या, फिर उसके बाद बताएंगे उसके चमत्कारी फायदों के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसको आपने लेना कैसे है। दोस्तों, आज की इस वीडियो की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों जायफल। दोस्तों, जायफल दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक लोकप्रिय मसाला है। यह जायफल के पेड़ से मिलता है। जायफल के पेड़ से हमें दो मसाले मिलते हैं, पहला जायफल और दूसरा जावित्री। जायफल बीज को कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने का काम करता है, आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इस जायफल के फायदों के बारे में। अनिद्रा की समस्या। जायफल का उपयोग अनिद्रा की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इससे जुड़े एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि 2 हफ्तों तक जायफल का चूर्ण इस्तेमाल करने से अनिद्रा की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। और दोस्तों, ये अनिद्रा की बीमारी हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है, पेट से जुड़े रोग। दोस्तों, जायफल का उपयोग पाचन तंत्र को सुधारने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, एक शोध के अनुसार आयुर्वेद में जायफल का उपयोग कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है, जिनमें खराब पाचन तंत्र भी एक है। और दोस्तों, यदि हमारा पाचन तंत्र कमजोर होगा तो उसके कारण ही हमें पेट के रोग लग जाते हैं, जैसे हमें कब्ज, गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा तब हम इन सभी तरह के पेट के रोगों से बचे रहेंगे। इससे ना तो हमें पेट में गैस होगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, डायरिया होगी या अपच की समस्या बिल्कुल ही नहीं होगी। दर्द निवारक के रूप में, दोस्तों क्या आपको जोड़ों, घुटनों का दर्द या गठिया के दर्द की समस्या है तो दोस्तों आपको जायफल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जायफल का उपयोग करने से इसके गुण जो दर्द को हरने के लिए हैं वो कारगर साबित होते हैं और आपके सभी तरह के दर्द से आपको छुटकारा दिलाते हैं। गठिया के दर्द के लिए जायफल का प्रयोग। गठिया की समस्या में जोड़ों के दर्द के साथ ही सूजन की समस्या भी हो जाती है। इस समस्या में जायफल का उपयोग बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इस विषय में एक शोध किया गया। उस शोध में पाया गया कि जायफल में ऐसे गुण होते हैं जो गठिया के दर्द को हरने का काम करते हैं और आपको सभी तरह के दर्द से बचाने का काम करते हैं। मधुमेह में जायफल का उपयोग। मधुमेह के लिए भी जायफल का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। दोस्तों, एक शोध में पाया गया कि जायफल के अर्क में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। यह गुण रक्त में मौजूद ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने से रोकने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए मधुमेह रोगियों को जायफल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यदि वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके साथ में इस डायबिटीज की बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन है उन सब से भी बचे रहना चाहते हैं। दांतों के लिए जायफल का प्रयोग। जायफल का उपयोग दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इसके मौजूद तत्व आपके दांतों को मोती की तरह चमकदार बना देते हैं और दांतों के दर्द से भी बचाने का काम करते हैं। दिमाग के लिए जायफल का उपयोग। सेहत और दांतों के साथ ही दिमाग के लिए भी जायफल एक टॉनिक की तरह काम करता है। दोस्तों, बहुत सारे शोध ऐसे हुए हैं जिनमें
ये पाया गया कि यदि कोई बच्चा जायफल का प्रयोग करता है तो उसका दिमाग औरों बच्चों के मुकाबले अधिक तेज पाया जाता है। स्ट्रेस, दोस्तों यदि आपको स्ट्रेस की समस्या है और आप हमेशा चिंता से घिरे हुए रहते हैं तब आपको जायफल को दूध के साथ सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी ये समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। और दोस्तों ये चिंता ही चिंता का कारण बनती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही होना बहुत अधिक जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो वह व्यक्ति बहुत जल्द जल्द बीमार पड़ जाता है, लेकिन ऐसे में जायफल आपके शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों यदि आप जायफल का प्रयोग कंटिन्यू करते हैं तो इससे आपके शरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को सही करने के लिए, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो ये नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर अपने लिए दवा घर पर ही मंगा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए, दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर हमारे शरीर की कई तरह की समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक आदि। ऐसे में जायफल का सेवन बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल सही होगा तब आपको ना तो हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही आपको हार्ट अटैक आने का डर रहेगा। यानी आप इस अपने कोलेस्ट्रॉल की समस्या का इलाज करके इस हार्ट अटैक की बीमारी और हार्ट ब्लॉकेज से भी बचे रह सकते हैं और अपने पूरे शरीर के खून को भी साफ कर सकते हैं। दोस्तों ये जायफल ही है जो आपके शरीर के खून की गंदगी को साफ करने का काम करता है। और दोस्तों यदि आपके शरीर में खून में कोई गंदगी नहीं होगी तब आपको ना तो हार्ट ब्लॉकेज होगी, ना हार्ट अटैक आएगा और ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और इसके साथ में यदि आपके शरीर में खून में गंदगी नहीं होगी तब आपका चेहरा भी खिला खिला रहेगा, आपके चेहरे पर भी एक नया तेज रहेगा। आप दोस्तों 50 की उम्र में 20 के दिखाई देंगे क्योंकि इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां वगैरह और मुहासे कील मुहासे नहीं पड़ेंगे, यानी आपके चेहरे की सुंदरता भी निखर जाएगी। वजन को कम करने के लिए, एक बड़ी आबादी मोटापे की समस्या से परेशान है। लगातार बाहर का खाना, तेलीय पदार्थ खाना, सही वक्त पर न खाना और व्यायाम न करना इस मोटापे का कारण बनता है। और दोस्तों एक बार आपके पेट पर चर्बी आ गई तब आप समझ लीजिए कि बहुत सारी बीमारियां वेट कर रही हैं आपके शरीर को अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये मोटापा ही है जो बीमारियों को न्योता देता है हमारे शरीर में आने के लिए। लेकिन दोस्तों ये जायफल आपकी इस समस्या का भी इलाज करता है। दोस्तों यदि आप अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे और इस जायफल का कंटिन्यू सेवन करेंगे तब आपके पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी, क्योंकि जायफल में एंटी ओबेसिटी गुण पाए जाते हैं जो मोटापे को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि जायफल आपके लिए इतना कारगर है, आपको इसका सेवन करना चाहिए अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए। आइए अब जानते हैं कि इसका प्रयोग आपने करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, थोड़े से जायफल को घिसकर यानी कि आधा टीस्पून के आसपास वो लेकर एक चम्मच दूध में मिलाकर उसको ऐसे पी लें और ऊपर से दूध पी लें, या एक गिलास दूध में उसको मिलाकर यानी कि दूध को पहले उबालें, उबालने के बाद उस दूध में उस जायफल को मिला लें और उस दूध को गटगट करके पी जाएं। और इसका सबसे बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट यानी कि बासी मुंह आपको इसको पीना चाहिए। और दोस्तों यदि आप दर्द से बचना चाहते हैं तो इसका तो सेवन करें ही करें। इसके साथ में तिल के तेल के साथ जायफल और गार्लिक की यानी कि लहसुन की कुछ कलियों को उस तेल में भून लें और उस तेल की अपने दर्द की जगह मसाज करें तो आपका दर्द भी छुमंतर की तरह गायब हो जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही इस जायफल का प्रयोग शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।